सोचा ही नहीं। उसके बाद मेरे को आता ही नहीं। अब आप मेरे वीडियोस देखकर पैसा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोचा था कि ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाऊंगा, एक्चुअली टाइम नहीं हो पाया था, लेकिन क्या करें, बहुत दिन से कुछ वीडियो नहीं बनाया हूँ और बाहर निकलना इतना भी नहीं हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बना लिया जाए। मैं, बीजू भाई और उनके जीजाजी, मतलब हमारे जीजाजी, हम तो जा रहे हैं कुलाडेरा। शायद मैं पिछले किसी वीडियो में कवर किया था कुलाडेरा, एक वाटरफॉल छोटा सा, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा खाना पाना बनाएंगे, खा पिएंगे, सोचते हैं कि बैम्बू का जो चिकन है वो बनाएंगे, सोचे हैं। लेकिन पता नहीं बीजू भाई उनके घर में बैम्बू है तो वो लेके आ रहे हैं कि नहीं, अगर आएंगे तो हम बनाएंगे। तो चलते हैं एक मज़ेदार सफ़र में। एक्चुअली बीजू भाई और उनके जीजा जी उनके गाड़ी से आएंगे, तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे जीप का है, थोड़ा मैला पड़ा है, मैं इसको साफ करने वाला था, साफ किया नहीं हूँ, तो थोड़ा इसको पोछा मार लेता हूँ, फिर लेके चलते हैं जीप को। मैं ऐसे सिचुएशन में मुझे गया नहीं हूँ जहाँ पछला रास्ता हो, लेकिन टेस्ट तो बनता है यार, पैसा वैसा खरीदा हूँ, ये इसमें 4x4 है तो क्यों ना इसका टेस्ट किया जाए। तो चलते हैं सफ़र पे। गाड़ी को मैं निकाल दिया हूँ बाहर, अगर बीजू भाई गाड़ी लाएंगे तो उसको भी से छाव तो नहीं होगा बाद में, फिर भी इधर रख देंगे। हम आए हैं रास्ते से थोड़ा चिकन पकड़ना है, क्योंकि बीजू भाई लेके आए हैं देसी चिकन, और बैम्बू में करने के लिए ब्रॉयलर चाहिए, क्योंकि देसी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम इसे पकाएंगे और जो ये है इसको बैम्बू में हम करेंगे। तो मुझे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ मोलचाल कर रहे हैं, मैं गाड़ी चला गया इसलिए मैं सूट रह नहीं पाया। कितना साफ़ सुथरा गाड़ी है। बहुत मेला हो चुका है, आज तो नहीं कल तो नहीं हो पाएगा, परसों साफ करेंगे इसको। तो पिछले वीडियो में बताता था रास्ता कैसे कहाँ से किधर है, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी वो वहाँ गांव में पूछा तो वो बोले कि कमर तक पानी होगा, उतना पानी है, तो उतने पानी में तो गाड़ी नहीं जाएगा, फिर भी हम जाके चेक कर लेते हैं, शायद पानी कम हो गया हो, नहीं तो कोई बात नहीं, उधर ही कर लेंगे, हमारा क्या है, मिला कि नहीं सेविंग किट? हाँ मिल रहा है। तो ठीक है चलते हैं, बहुत सारे बकरियां हैं। ये भी पार्टी हो जाएगा आज, बहुत बढ़िया है ना बीजू भाई। हाँ भाई। कैसा करेंगे यार, पानी हुआ तो? पानी होगा तो वो नीचे करेंगे, और पानी नहीं होगा तो ऊपर जाएंगे। ठीक है ठीक है। आज हमारे साथ कुछ ज्यादा ही ट्रेजेडी हो रहा है, वहाँ गए थे कुलाडेरा, आज शायद DFO का प्रोग्राम है और शायद हम लोग जंगल को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो लोग मना कर दिए, तो रिटर्न आगे जगह ढूंढते ढूंढते हम माचिस ही भूल गए थे, वो भी खरीदे। अभी जो है कुंजवन, पता नहीं इधर क्या कोई रूल लगा दिया होगा। लगता है आज गाड़ी में ही पार्टी वार्टी सब गाड़ी में हो जाएगा। बीजू भाई क्या कर रहे हैं आप? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कुलाडेरा जो जाने का टाइम में जो मना कर दिया फॉरेस्ट वाले, सब गड़बड़ हो गया, सर बर्बाद, सब बर्बाद। पहुंचे कब? 11 बजने को है, कोई बात नहीं, देखते हैं। घर से निकलू 9 बजे, घर से निकला हम 9 बजे, लेकिन अभी तक 11 बजने वाले हैं, हम घूम रहे हैं, हाँ जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे रास्ता ऐसा है, क्या बताऊँ आपको, दिख रहा है पता नहीं, कुछ ज्यादा ही टेंशन है भाई। कटाई भाई छड़ी देख लेना जाए। हम अभी जगह का मुआयना कर रहे हैं, ये हाग आगे हम कुंजवन जहाँ श्री कृष्ण अपना रास मिला करते थे। चलो नजदीक पानी भी है और इधर पहले करके गए हैं लोग अपना कार्यक्रम, कोई बात नहीं,
अच्छा जगह है। ओह नज़दीक पानी भी है, अभी तो कोई फिलहाल नहीं है। मस्त जगह है, मज़ा आ गया। आज बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है। क्या कर सकते हैं, 11 बज गया, सुबह से घूम रहे हैं इधर उधर। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा फाइनल जगह और यहाँ पे ही होगा, बड़ी मज़ा आ जाएगा। हम जंगल से ढूंढ के बिजू भाई के साथ ये लकड़ी लाए हैं और हमारे जिया जी तब तक आग भी लगा लिए, बहुत बढ़िया। पूरा होगा, सब होगा। धूप में कुछ तो ज़्यादा ही मेहनत हो गया हो नहीं भाई। तो ये हमारा रेडी हो रहा है बैम्बू चिकन। तो बैम्बू भाई अपने घर से लेके आए थे और देख सकते हो बिजू भाई कैमरा पकड़े हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली बात यह है, देखिए ये बैम्बू, देखिए ये बहुत मोटा हो गया है, पतला होता है, बहुत मोटा हो गया, तो उतना जगह नहीं है अंदर डालने के लिए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना होगा ठीक है, नहीं तो उसको पत्ते के साथ कुछ करेंगे उसका, और क्या। बिजू भाई काम करते हैं, हफ्ते भर एक दिन छुट्टी मिलता है तो एक दिन तो एंजॉय करना बनता है ना। तो आप भी आइए कभी, मिलकर बनाएंगे बैम्बू चिकन। बिजू भाई घर से लाएंगे बैम्बू और बनाएंगे बैम्बू चिकन। देखिए इतने कम में फूल हो गया, क्या कर सकते हैं। तो इसके पत्त अभी पत्ता डालने, इसलिए जो बनाना का पत्ता होता है ना वो मस्त होता है, लेकिन अभी तो इससे इधर बनाना नहीं मिलेगा और हम भूल भी गए बनाना लाने। तो दो बैम्बू रेडी हैं, खुशबू भी ज़बरदस्त है, आपको खा के बताता हूँ कैसा लगता है, एक बार हो जाए। तो ये बैम्बू इतना मोटा है तो इससे हमें जलते आग में डालना पड़ा, नहीं तो हम इसका अंगार जो है वो निकाल के इसमें लगाते, लेकिन इतना मोटा है कि मोटी चमड़ी जो बोलते हैं ना वही है। अगर ज़्यादा गर्मी में डालेंगे नहीं तो ये पकेगा नहीं, हाँ कि नहीं। एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद भी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे वहाँ से वो जो पका हुआ जो मटन निकलेगा, चिकन निकलेगा, वो बहुत ही स्वादिष्ट एंड बहुत ही ये रहेगा। आप लोग भी ट्राई कीजिए, कभी पिकनिक जाते हैं तो आप लोग भी उसको इस तरह बनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आप उसका आनंद बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो जिया जी आप आए हैं हमारे गांव में, तो कैसा है आपको हमारा माहौल? एकदम बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, इतना दूषित वातावरण में रहते हैं, कभी हम लोग गांव आते हैं इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना मतलब स्वच्छ वातावरण है, प्योर ऑक्सीजन, लगता है जैसे कि मतलब हमारा उम्र बढ़ गया, उस टाइप का फीलिंग होता है, इतना अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी अपना गांव वापस जाइए, देखिए वहाँ पर अपना फैमिली के साथ आप टाइम बिताइए और ऐसे झरना और नदी के किनारे आके पिकनिक बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद लगेगा। मतलब जियाद ने मन की ही बात छीन ली, मतलब जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो तरसते हैं ये सब, मतलब ये जो हम जो माहौल में जो जी रहे हैं वो एंजॉय करने वो तरसते हैं, लेकिन हम रोज ये चीज़ मनाते हैं। अभी बाम्बू चिकन हो गया है रेडी, बीज भी लेके जा रहे हैं। ओके चलिए, जब भी खाना है हमको बोलना है, हम करके देंगे उसको। ओके उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर। ओके वहाँ पर कड़े की, कड़े की, हाँ बेस्ट, इधर डालिए, मस्त होगा। के पत्ता वत्ता दे के, वो हेलो सर को दे थी 4-5 से। ओके पका है कि नहीं पका है? पका है भाई, पका है भाई, वो ओह मजा आ गया, उतना काफी है। अभी नहाना खत्म हुआ, अभी हम खा जाएंगे। सही ना, से तो दही जुड़े अच्छी, तुम तो मैरिनेट करी ना, तुम्हें दही कैसा लगा हमारा पानी? बहुत अच्छा लगा, अभी जस्ट नहा के आया हूँ, इतना अच्छा लग रहा है।
आप पूछिए मत। और अभी जस्ट गरम गरम चिकन हुआ है, अभी हम लोग गरम गरम राइस के साथ हम चिकन पकौड़ा खाए, चिकन बैम्बू खाए और अभी देसी चिकन खाएंगे, खाएंगे झोल खाएंगे, बहुत मस्ती आएगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग भी कभी इस जगह पे आइए और मस्ती कीजिए। कुंजवन, कुंजवन बहुत नजदीक है नैक्टिदौल से, इधर पास में है। विजय कुछ बोल रहे हैं भाई, कुछ बोलिए। जब भी आएंगे हमको बोलना चाहिए कि इस जगह पे रोड नहीं है, हम ही रोड बताएंगे आपको, और दो चार मतलब आपसे छीनेंगे। विजय भाई दुआई जेड़ा पानी एकदम अच्छा, वो जो नहाने का नहाने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगा। सर भाई हाँ कुछ पता ही नहीं, नहीं छिड़ जाना है बोलो, हमें इतना इतना धोबा है बाहर। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा है भैया, बहुत दिन पर बाहर से मैं होटल छोड़ के आया, इसलिए बहुत खुश है आज। भाई बहुत ही बिजी लोग हैं, वो अपना होटल अपना हाथ जगन्नाथ, हाँ अपना हाथ जगन्नाथ। जैसे कि सर भाई से टुना भाई बहुत बिजी लोग हैं, काम छोड़ के आए हैं। वो आने के लिए परमिशन होना चाहिए। तो भाई म्यूजिक लगा भाई, टिक्के दियो तो मते टुना फोन जा खैलाड खैलाड सिंपल सिंपल की तरह टुना का टिक्के मते दियो टिक्के ओ नहीं पको को जो आप चाहो, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, लगेगा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जबरदस्त तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। मजा आ गया, सोचा ही नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये मस्ती में वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, आप सुझाव नीचे कमेंट करिए, इस सप्ताह में तो सब्सक्राइब ना भूलिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा।